एक बात मुझे जो इसमें सबसे ज़्यादा पसंद आई वो ये कि हम जो प्लान करते हैं अपनी लाइफ में और उसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होता। हमने बहुत चीज़ें प्लान की हुई होती हैं लेकिन आने वाला टाइम या हमारी लाइफ उसके अकॉर्डिंग नहीं होती, वो अपनी मर्ज़ी से चलती है। इवन जब हम कुछ अचीव करना चाहते हैं और हम ऐसा अचीव कर भी लेते हैं अपनी लाइफ में, तो लाइफ ऐसे मोड़ पर लाके हमें खड़ा कर देती है कि हम चाहते हैं लेकिन वो अचीवमेंट इतनी हम इंजॉय नहीं कर पाते। मैं बात कर रहा हूँ जवानी जाने मन की, जिसे डायरेक्ट किया है नितिन कक्कड़ ने और जिसके अंदर कास्ट है सैफ अली खान, अलाया एफ, चंकी पांडे, तब्बू और अन्य कलाकार। अब कहानी की बात करें, इसकी कहानी जो है एक मिडिल एज की एक पुरुष की है जिसे प्ले किया है सैफ अली खान ने एज ए जसविंदर, अपना शॉर्ट नेम रखता है जैज़। तो वो बड़ा ही आज़ाद ख्याल वाला है, आज़ाद है वो इंसान, वो शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता। अपने आप हाँ को जवान दिखाने के लिए वो डाई करता है और पब में जाता है, रोज़ नई लड़कियां घुमाता है, फुल दारू सुट्टा सब चलता है उसकी लाइफ में। तो एक टाइम ऐसा आता है जब उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी है जो उसे आके बोलती है, जिसे खुद नहीं पता होता कि उसके बाप मतलब सैफ अली खान ही है। 33.33% वो बोलती है, 33.33% चांस है आपके मेरे पिता होने की। वो ऐसी बात जसविंदर यानी सैफ अली खान को बोलते हैं क्योंकि तीन लोग और कतार में खड़े हैं। अभी राइटर कौन है इस मूवी का? सैफ अली खान जहाँ अपनी जहाँ परिवार से वो भागता है क्योंकि उसे लगता है कि परिवार एक बंधन है, मतलब उसको बांध के रख देगा, उसे उसकी आज़ादी छीन लेगा, क्योंकि वो एक हफ्ते में एक ही बार अपने परिवार से मिलने जाता है। तो उसको वहाँ यहाँ एक झटका सा लगता है कि नहीं नहीं मेरी एक ऐसी बेटी नहीं हो सकती। खैर जब DNA टेस्ट होता है तब सैफ अली खान को पता चलता है कि हाँ अलाया एफ यानी टिया उसी की बेटी है, 100% DNA श्योर हो जाता है वहाँ पे। और साथ ही साथ तब उसे ये भी पता चलता है कि वो बाप बना है और अभी वो अब नाना भी बनने वाला है। कितने मॉडर्न ख्याल आते हैं ना यार। यानी टिया प्रेग्नेंट निकलती है जब DNA टेस्ट भी होता है, तब उनको वहां बता देते हैं कि टिया भी प्रेग्नेंट है। मूवी में अब एक बेटी और एक बाप के बीच का एक रिलेशन दिखाने की कोशिश की गई है कि उनके बीच के जो रिलेशन है वो कैसे डेवलप हों। तो जहां तक मुझे मेरे ओपिनियन है भाई, मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कि इसको और बेटर किया जा सकता था, कि हमें पता नहीं चला कि कब सैफ अली खान ने अपनी ये आज़ादी को छोड़ के अपनी बेटी को अपनाया, एकदम से उसका हृदय परिवर्तन हुआ, तो वो चीज़ें हमें पता नहीं चलती, बहुत क्विक चीज़ें हो जाती हैं। तो मुझे लगता था कि इसको थोड़ा सा और टाइम देते, क्योंकि वो एक पल होता है ना वो देखने वाला कि हाँ ये रिलेशन जब सुधर रहा है तो अच्छा लगता है, वो इतना इंजॉय नहीं कर पाए। मूवी के अंदर बहुत कुछ मुझे अच्छा लगा, जैसे कि फैमिली के बारे में इसमें बताया गया कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है लाइफ में एक इंसान की। जैसे एक चंकी पांडे का इसमें एक किरदार है, जब वो बेड पे होता है तो वो एक्टिंग जो उन्होंने की वो मुझे काफ़ी पसंद आई। जो उन्होंने वहाँ पे सैफ अली खान उससे मिलने जाता है, तो सैफ अली खान उससे कहता है कि कोई फैमिली में है तेरे? तो चंकी पांडे वहाँ पे मना करते हैं कि कोई फैमिली भी नहीं है। तो वहाँ एक एहसास दिखाना कि यार एक ऐसा मोमेंट, वैसे देखो यार फैमिली की तो हर मोमेंट पे ही हमें जरूरत पड़ती है, कि खुशी दुख हर चीज़ में उनकी जरूरत पड़ती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जरूरत पड़ती है वो दुख के टाइम में हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करे। तो वो जो उस वक्त उसे एहसास हुआ तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे देख के कि हाँ फैमिली की इसमें इम्पोर्टेंस। बाकी मूवी के अंदर कॉमेडी है काफ़ी अच्छी चीज़ है। एक्टिंग की बात करें तो सैफ अली खान ने बहुत अच्छा एक किरदार निभाया है। साथ में तब्बू जो है उनका एक ज़्यादा बड़ा रोल नहीं है लेकिन जितना है उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया है। और अलाया एफ जिन्होंने डेब्यू किया है इस मूवी के अंदर, उनकी भी काफ़ी अच्छी एक एक्टिंग रही है इस मूवी के अंदर। मेरे हिसाब से ये मूवी वन टाइम वॉच है क्योंकि अच्छा लगेगा, एक थोड़ा सा अलग सा टाइप को आपको देखने का मिलेगा। कुछ एक कमियां तो होती ही हैं मूवी के अंदर, वो इसमें भी हैं। यार मेरी तरफ से इस मूवी को मैं देना चाहूँगा 6 out of 10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है अब तक तो देख भी ली होगी क्योंकि मूवी का रिव्यू जो है वो बहुत लेट आ रहा है। और ये जो लाइट आ रही है ना, माफ करना ये ऊपर लाइट है, फेस शायद थोड़ा सा डार्क लगे, कोई ना। अगर आप लोगों ने देख ही ली है तो नीचे कमेंट करें आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।